ये दुनिया के कुछ घिनौने सच हैं। गर्लफ्रेंड को हर कोई छूना चाहता है, पर पत्नी सबको बिना छुई चाहिए। किसी नाचती हुई औरत पर पैसा फेंकना कितना आसान है, और वहीं किसी गरीब की मदद करनी पड़ जाए तो हाथ कांप जाते हैं। प्यार कितना भी सच्चा हो, पर बात जिस्म तक आई जाती है। अच्छी लड़कियां खुद टूट जाती हैं, पर अपने माँ बाप के सम्मान को कभी टूटने नहीं देती। किसी भी लड़की के बारे में इतना ही बोलो जितना खुद की बहन पर सहन कर पाओ। लास्ट में मेरा एक सवाल है, जब किसी से फिजिकल होना है तो जब धर्म और जात क्यों नहीं पूछते? ये जो सब बोलते हैं ना कि लड़का है मजे लेता है, तो उन्हें बता दूं लड़का होना आसान नहीं है। अगर घर में बैठ जाए तो टाइम बर्बाद कर रहा है, और घर से बाहर निकल जाए तो आवारा कहीं का। अगर कम बोले तो गूंगा है क्या, और ज्यादा बोले कितना बदतमीज है। पैसे ना कमाए तो अपने बीवी बच्चे कैसे पालेगा, और पैसे कमाकर अगर शौक पूरे करे तो पैसों का घमंड है इसमें। अगर किसी लड़की से बात ना करे तो कितना ईगो है, और किसी लड़की से प्यार से बात कर ले तो इसकी तो नीयत खराब है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा देते, और घर से पैसा मांगे तो बोलेंगे कमाकर कब खाएगा। अगर आप कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये चीजें याद रखना, कोई अच्छा होगा ज्यादा लुक्स और बॉडी में, कोई अच्छा होगा लव केयरिंग और अटेंशन में, और किसी के पास होगा ज्यादा अच्छा पैसा और लाइफस्टाइल। जिस पे ज्यादा पैसा होगा क्या पता वो कुछ दिन आपको टाइम और प्यार भी दे, फिर वो फीका पड़ जाए। जो ज्यादा प्यार और केयर करेगा उससे आप कंप्लेन करोगे कि आपकी अच्छी लुक्स नहीं और पैसा कहाँ है। जिसकी अच्छी बॉडी होगी उसे आप पैसा केयर और प्यार के लिए बोलोगे। यार इंसान कोई मशीन नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा ही, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है रिश्तों को चलाने के।